मैं फिर से एक बहुत ही स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज मैं घर पे करने वाली हूँ हेयर स्पा। हेयर स्पा के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, इससे आपके जो हेयर फॉल हो रहा है वो कंट्रोल होगा, आपके बाल बहुत ही सिल्की शाइनी स्मूथ हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा फ्रीजी हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसके, और आप घर पर ही बहुत कम बजट में घर पर ही हेयर स्पा कर सकते हैं। बाल पार्लर जाके बहुत सारा खर्चा करके आपको हेयर स्पा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही कुछ स्टेप्स के साथ कर हेयर स्पा कर सकते हैं। दोस्तों स्पा के कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में, और मैं बताने वाली हूँ आपको। पहले सबसे पहले मसाज करनी है, उसके बाद में आपको मसाज करनी है हेयर ऑयल से। जो भी आप हेयर ऑयल लेना चाहते हैं वो लीजिए, कोकोनट ऑयल लीजिए और उसे थोड़ा सा गर्म कीजिए, अपने मसाज कीजिए। उसके बाद में आप अपना हेयर को स्टीम दीजिए, और स्टीमिंग के बाद में अपने बालों को वॉश कीजिए, और वॉश करने के बाद में आप अपने बालों पर लगा सकते हैं हेयर मास्क। और उसके बाद में बस कुछ ही मिनटों में आपका हेयर स्पा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आगे वीडियो में, तो दोस्तों सबसे पहले हेयर स्पा का सबसे अहम पार्ट होता है अपने बालों को सबसे पहले क्लीन करना है हमें किसी भी अच्छे से शैम्पू से। उसके बाद में थोड़ा सा गर्म ऑयल लेना है, जो भी आप लगाना चाहते हैं कोकोनट ऑयल ले लीजिए, जो भी आप ऑयल लगाते हैं वो ऑयल लेना है, उसे थोड़ा सा गर्म करना है। और उसके बाद में अपने हेयर पर अच्छे से मसाज करनी है, जिस तरीके से आप मसाज करते हैं, और वैसे ही मसाज तो हमें करते ही रहना चाहिए। वीक में कम से कम एक या दो बार आपको हेयर मसाज लेना ही चाहिए। दोस्तों जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तब आप हेयर मसाज ले लीजिए पहले, बहुत ही अच्छा होता है हेयर मसाज हमारे बालों के लिए। हेयर ग्रोथ बढ़ती है इससे, और ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, और आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलती है। तो हमें रेगुलर हेयर मसाज करना ही चाहिए दोस्तों, तो आप ज़रूर किया कीजिए। और उसके बाद में हम हेयर स्ट्रीम करेंगे अपने, और उसके लिए हमें लेना होगा गर्म पानी, और उसमें करना है एक टॉवल को गरम, और पानी में बिल्कुल भिगो लेना है उसको, पानी को बिल्कुल निचोड़ के निकाल देना है, और अपने हेयर पे इस तरीके से बांध लेना है, अपने हेयर को बिल्कुल पैक कर देना है उस गरम तौलिए से, ताकि आपके बाल अच्छे से स्टीम हो सके। अगर ठंडा हो जाए तो फिर से गर्म कर लीजिए। और उसके बाद में हम लगाएंगे पैक। पैक हमारे बालों को बहुत ही अच्छा होता है, पोषण देता है। कर्ड और बनाना का मैं पैक लगाने वाली हूँ, आप चाहे तो जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। अगर आप रेडीमेड हेयर पैक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर बनाना और कर्ड से मिक्स करके, और उसमें थोड़ा सा एलोवेरा मिला के, और अपने बालों में उसे अप्लाई करूँगी, ताकि उससे मेरे बाल बनेंगे सिल्की शाइनी और स्मूथ और स्ट्रांग भी होंगे दोस्तों, ताकि हमें हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल होएगी, और हमारे कर्ड जो है हमारे बालों को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, इसीलिए हमें कर्ड का इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप फिर अपने बालों पे बना लेना, उसके बाद अपने बालों के ऊपर इस तरीके से स्कैल्प में मसाज करनी है हमें हेयर मास्क की, और अच्छे से अप्लाई कर लेना है अपने बालों के अंदर, और स्कैल्प में अच्छे से मालिश कीजिए, ताकि हमारे बालों के अंदर तक ये पोषण जा पाए, और हमारे बाल सिल्की शाइनी स्मूथ बने, हेल्दी बने। अपने बालों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, इनमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगते हैं, तो इनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हम यूज़ तो कर लेते हैं, हमारे बालों पे काम भी करते हैं, बट धीरे धीरे हमारे बाल अपनी जो नेचुरल जो शाइन होती है वो खो देते हैं, इसलिए हमें हेयर स्पा करना है। मैंने कर लिया हेयर वॉश और अपना हेयर स्पा कंप्लीट। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो के एंड तक देखने के लिए थैंक यू। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।